बालक अष्टावक्र ने मित्रों के साथ खेलकर घर लौटने पर अपनी माता से पूछा, हे माता, मेरे पिताजी कहाँ हैं? वह बोली, पुत्र, तुम्हारे पिताजी राजा जनक की सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने गए थे, परंतु अभी तक लौटे नहीं हैं। मैं भी चिंता से व्याकुल हूँ। यह सुनकर अष्टावक्र ने कहा, हे माता, चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही राजसभा में जाकर पता लगाऊंगा। माता बोली, तुम बालक हो, सभा में तुम्हारा प्रवेश आसान नहीं होगा, वहाँ तुम्हारा उपहास भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा है। अष्टावक्र बोले, माँ डरो मत, मैं अपने पिता के साथ जल्द वापस आऊँगा। यह कहकर अष्टावक्र ने राजसभा के लिए प्रस्थान किया। उनके टेढ़े शरीर को देखकर सभा में उपस्थित विद्वान ठहाके लगाकर हंसने लगे। यह बालक भी हमारे साथ शास्त्रार्थ करेगा? उन विद्वानों को यह हरकत देखकर अष्टावक्र भी हंसने लगे। उन्होंने उन्हें हंसता देखकर सभा के उपस्थित सभी विद्वान आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने अष्टावक्र से हंसने का कारण पूछा। अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आपकी सभा विद्वानों के द्वारा सुशोभित है, परंतु यह तो झूठे ज्ञान के घमंड में चूर हैं। मैं इन विद्वानों को देखकर हंस रहा हूँ। फिर वह बोले, हे राजन, मैं पूछता हूँ कि हड्डी, रक्त, मांस और चमड़ी से लिपटे हुए शरीर में देखने लायक क्या है? क्या आप बताएं, क्या टेढ़े शरीर में आत्मा भी टेढ़ी होती है? यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका पानी भी टेढ़ा होता है? राजा जनक अष्टावक्र के वचनों से प्रभावित हुए। उन्होंने बालक अष्टावक्र को अपना गुरु मानते हुए उनसे तात्विक ज्ञान को प्राप्त किया।